हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शीला, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जैसी चैम्प पे। आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान अपना ख्याल कैसे रखें, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए। इस बारे में आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। हमारा वीडियो पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं की हूँ और इस दौरान मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। मेरी बेटी अभी 15 महीने की है, ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं। मैं जो भी मेरे साथ हुआ है, जो मैंने जो खाया पिया है, ये सब के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। मेरी क्या प्रॉब्लम थी, ये सब के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी और इससे कैसे छुटकारा मिलता था, वो सब के आपको डिफाइन करूंगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। माँ बनना एक प्राकृतिक वरदान है। इसे हम लोग 9 महीने में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन बस इसी खुशी के दौरान हम लोग जीते हैं कि हम लोग माँ बनने वाले हैं। इससे हमारी एक न्यू बच्चे की जन्म होती है, इससे हमारे घर के सदस्य होते हैं चाहे हम लोग होते हैं बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस बच्चे के आने से हमारा भी नाम चेंज हो जाता है। माँ बन जाते हैं, अभी पिता बन जाते हैं, दादी बन जाती है, नानी बन जाती है, कितने सारे आदमी को रिलेशन चेंज हो जाते हैं। और एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में एक जुड़ जाता है। तो इसे इसके दौरान हम अपने बच्चे की ख्याल कैसे रखें, इसके बारे में आज हम आप लोग से बात करेंगे। प्रेगनेंसी का 3 महीना बहुत नाजुक होता है। प्लीज़ उस समय कोई भारी वेट ना उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ना करें, जितना भी हो हल्का फुल्का वर्क करें, क्योंकि वो 3 महीने मिसकैरेज होने का भी चांस होता है। इसीलिए मेरा यही मानना है कि 3 महीने तक माँ एक माँ को बहुत ही संभल के रहना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे बहुत ज़्यादा ही संभलने की ज़रूरत है। 3 महीना बहुत नाजुक पल होता है। उस 3 महीना अब जितना ज़्यादा हो अपना ख्याल रखें और डायरेक्टली कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान झुके नहीं। कोई भी सामान अगर नीचे से उठाना हो तो प्लीज़ नीचे बैठ जाएं और बैठने के बाद ही आप अपना कोई भी सामान हो उसे उठाएं। प्रेगनेंसी के दौरान बहुतों को वॉमिटिंग बहुत होती है, बैक पेन होता है, जी मिचलाता है, ये सब आम होता है। 3 महीने तक तो काफ़ी ज़्यादा होता है और 3 महीने के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हम लोग को उस बीच में क्या करना चाहिए। बहुतों को सुबह उठने के बाद चक्कर आने लगता है, जी मिचलाता है, वॉमिटिंग होता है, उठते ही यह सब होने लगता है बहुतों को। तो उस बीच में आप ऐसा करें कि जैसे ही सो के उठते हैं प्लीज़ तुरंत बेड से ना उतरे, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं, इसके बाद उतरें। सुबह की शुरुआत पानी या जूस से ना करें। हमेशा टोस्ट, ब्रेड, चाय आप बिस्किट के साथ करें। इसके बाद आप नारियल पानी जरूर पिए। पूरे प्रेगनेंसी में आप नारियल पानी का सेवन जरूर करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। बहुत कोई ऐसा भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके अंदर एक और जीव है, इसलिए आपको 2 प्राणियों के हिसाब से खाना खाना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा कोई सटीक जवाब नहीं है कि हमारे अंदर जो है उसके लिए हमें 2 प्राणियों का खाना खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल महिला 1800 से 2000 कैलोरीज चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक गर्भवती महिला को उससे 300 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 प्राणियों का खाना आपको खाना पड़ेगा। अगर 2 प्राणियों का खाना खाएंगे तो उससे डायबिटीज भी हो सकता है, मोटापा भी बढ़ सकता है, वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन की समस्या हो जाएगी और बाद में चल के डिलीवरी के समय सी सेक्शन की जरूरी पड़ जाएगी। अगर आप नॉर्मल 1800 से 2000 कैलोरी के बाद 300 कैलोरी ज़्यादा खाते हैं तो आपको कुछ नहीं होगी, ज़बरदस्ती नहीं खाना है। हमेशा अपने फूड में वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल का उपयोग और फ्रूट का उपयोग जरूर करें। दिन में कम से कम, दिन और रात में कम से कम 6 बार खाना खाना चाहिए। हल्की हल्की खाएं,
लेकिन 6 बार खाएं, 6 बार से ज़्यादा भी जरूरी नहीं है और कम भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं खाएं। मीठा का, जो मीठा की शौकीन है वो लोग मीठा का सेवन ज़्यादा ना करें। मीठा अगर ज़्यादा खाएंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने की बच्चे को ज़्यादा समस्या हो सकती है, इसीलिए जितना नॉर्मल है बस उतना ही खाएं। मैं अपनी प्रेगनेंसी में हर दिन 2 फ्रूट कंपलसरी खाती थी। मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, मैं मुझे ऐसे कभी पै तो पहले स्टार्टिंग में वॉमिटिंग होने के डर से मैं नहीं खाती थी, पर मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर आपको वॉमिटिंग होने की समस्या होती है तो आप खाएं, जब आपको वॉमिटिंग की फीलिंग होती है तब आप खाएं, ऐसा नहीं है कि वॉमिटिंग हो रही है तो आप नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उस बीच मैं खाना शुरू कर दी और मैं हर दिन पूरे 9 महीने तक मैं नारियल पानी का सेवन डेली करती थी, लेकिन सुबह उठते ही नहीं, सुबह उठ के मैं कुछ बिस्किट टोस्ट ये सब खाती थी, बाद में मैं नारियल पानी का सेवन करती थी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो खुद से कभी डॉक्टर ना बने। प्रेगनेंसी के दौरान फीवर हो, सर दर्द, बैक पेन, कुछ भी हो, आप खुद से डॉक्टर कभी ना बने। बिना डॉक्टर के सलाह के आप एक भी मेडिसिन नहीं लें। एक्चुअली बैक पेन ये सब आम बात होता है, पूरे 9 महीने बैक पेन प्रेग्नेंट लेडी को आम बात हो जाता है। स्टार्टिंग के दौरान कम होता है, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी नज़दीक आने लगती है बैक पेन होने लगता है। तो जब भी आपका बैक पेन हो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें और थोड़ी से चलें और खड़े हो जाएं। टहलना जरूरी है, हमेशा बैठे भी नहीं रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें। उस समय आपको सुपर वुमन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान नींद बहुत ज़रूरी होता है। आम आदमी के हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा नींद आपकी पूरी होगी उतनी ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे और आपके साथ साथ आपके होने वाले बच्चे वो भी स्वस्थ रहेंगे। और मेरा मानना है कि जब भी तनाव हो तनाव से दूर रहें। जब भी आपको टेंशन ज़्यादा हो, तनाव की समस्या हो, तो उस बीच में आप ऐसी कोई चीज़ करें जिससे आप खुश हो सके। मैं क्या करती थी, जब मैं मुझे टेंशन होता था, जब मैं खुश होना चाहती थी, मुझे किसी बात की, हर इंसान को कुछ ना कुछ टेंशन होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जब मुझे कोई टेंशन होता था तो मैं उस बीच में टीवी पे कॉमेडी चैनल देखती थी, चाहे कुछ बुक पढ़ती थी। अच्छे अच्छे बुक आते हैं, वो सब बुक आप पढ़ सकते हैं। चैनल में मैं हमेशा कॉमेडी चैनल, हमें बहुत ऐसा चैनल, मैं अधिकतर कपिल शर्मा शो उस समय देखती थी, क्योंकि मुझे कपिल शर्मा शो आज भी मैं देखती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें जब भी मैं देखती थी तो मेरा माइंड हमेशा चेंज हो जाता था। और सोने से पहले और मेडिटेशन करना चाहिए और उठने के बाद। इस 9 महीना की प्रेगनेंसी में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें, ज़्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हार्म हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करें। मैं डेली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करती थी। प्रेगनेंसी के दौरान मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हरी सब्जी, नट्स, फ्रूट्स, हल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद, तनाव से बचे, ये सब बहुत जरूरी है। ये सब करने से प्रेगनेंसी आपकी बहुत अच्छी तरह से, 9 महीने बहुत अच्छी तरह से गुजरेगी। तो मैं जो करती थी मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर की हूँ। अगर अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो हमारे चैनल पे प्लीज़ नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। बाय।